वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं सुबह के 10. एक कॉल हमारे पास, जल्दी से एक कॉल लेते हैं. उसके बाद डॉक्टर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं. वेट रिडक्शन के बारे में बात हो रही है. एक बहुत बड़ा जो है ये प्रॉब्लम है और हम लोग उस प्रॉब्लम को समझते नहीं हैं. तो क्या है सिम्टम्स जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि शायद अब हमें वेट रिड्यूस करने की या कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है. लेकिन सबसे पहले कॉल लेते हैं और राहिला की कॉल है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. राहिला बताइए क्या हाल? बिल्कुल ठीक हूँ. आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है. थैंक यू वेरी मच. मैं ट्राई कर रही थी जी. अब मिल गई आपकी कॉल. आज मेरी खुशकिस्मती के मिल गई. राहिला, एक कॉन्टेस्ट ऑन है हमारा, जल्दी जल्दी कर रहे हैं आप क्योंकि टाइम कम है. इशारों का मतलब बताएं. तीनों इशारे आपके सामने हैं, बताइए पहला इशारा क्या मतलब है इसका. पहला रेस्टोरेंट ठीक है. और गेस्ट हाउस हॉस्पिटल डन. और हमारी एक और तस्वीर है यहाँ पे जो आपको दिखाने वाले हैं. और ये बताइए कि जो तीनों फुटपाथ्स हैं इनके कलर्स अलग अलग क्यों हैं? क्या मतलब है? काला और सफेद जो है ये तो पार्किंग है. पार्किंग है, यहाँ पे पार्क कर सकते हैं. ठीक. ये दूसरा बस स्टॉप है. ठीक है. और तीसरा ये जो है ये नो पार्किंग है. नो पार्किंग है. बहुत शुक्रिया राहिला. और एक आखिरी चीज, खवातीन और ड्राइविंग क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? ये बहुत जरूरी है खवातीन के लिए क्योंकि हस्बैंड तो बिजी होते हैं ना, ड्यूटी पर होते हैं, तो बाद अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है लेडीज को. इंतजार करती रहती है कब हस्बैंड आएंगे तो करेंगे. ठीक है. वैसे ही कन्वेंस तो आपको पता है ना, मसला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बड़ा मसला है जी. डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद है, कोई सवाल है डॉक्टर साहब के लिए? बस इन्हें बहुत बहुत मेरा सलाम और मुझे शामिल कर लीजिए अपने प्रोग्राम में आज. आजकल डन हो गया. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राहिला. बस शो के में हम विनर का नाम भी अनाउंस करने वाले हैं. बहुत ही अच्छा, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा. हेल्थ टीवी के प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं. बहुत शुक्रिया. मैं बहुत गौर से देखती हूँ ये जो डॉक्टर्स आते हैं और बताते हैं देसी इलाज और सब कुछ ना जी. ये तो नहीं, यही कोशिश है हेल्थ टीवी की कि बिल्कुल जो है ना एक सेहतमंद पाकिस्तान तो बनाए, थोड़ा सा तो कुछ करें. हाँ, रमजान मुबारक के हवाले से भी जो ये बताते हैं दवाइयाँ वगैरह, इलाज अफतारी में बताते हैं शुगर के मरीजों का. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी कॉल का कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई. नो प्रॉब्लम एट ऑल जी. सर कमिंग बैक नाउ, वेट रिडक्शन बच्चों का भी बड़ा प्रॉब्लम है, खवातीन में प्रॉब्लम ज़्यादा होता है? देखिए, खवातीन और मर्दों में तकरीबन ऑलमोस्ट रेशियो जो है वो बराबर है. बराबर है. अच्छा, मर्दों का पेट पहले निकलता है, खवातीन में साइड से एक्सपैंड करना शुरू हो जाती है. जो फैट डिपॉजिशंस के जो जगह हैं खवातीन में डिफरेंट है और मर्दों में जो है तो वो डिफरेंट है. अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि जो खवातीन की बॉडी है, जो फीमेल बॉडी है, उसमें फैट कंपोनेंट्स मर्दों की निस्बत ज्यादा होता है. ठीक है. तो इस वजह से अगर आप एक ही हाइट का मर्द और एक ही हाइट की औरत को एक साथ खड़ा कर दें जिनका वजन बिल्कुल बराबर हो इक्वल हो, तो देखने में औरत जो है वो आपको भारी लगेगी, मोटी लगेगी. ठीक है. क्योंकि उसके अंदर फैट कंपोनेंट ज्यादा होते हैं और फैट्स जो होते हैं उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, वेट जो है वो रिड्यूस होता है. ठीक है. तो अगर उनमें फैट कंपोनेंट ज्यादा है तो इसका मतलब है उस औरत का डायमीटर जो है वो ज्यादा होगा, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, वो देखने में ज्यादा मोटी लगेगी. बिल्कुल. सेकंड थिंग इज दैट कि जो उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होती हैं खवातीन में, खासतौर पर जो हार्मोनल चेंजेस ठीक है, यस, या उनके हार्मोनल जो डिस्टर्बेंसेज होती हैं, प्रॉब्लम होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, मिसकैरेजेस होती हैं, प्रेगनेंसीज के बाद जो है तो लैक्टेशन का पीरियड होता है, फिर हमारे माशरे में प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद वो औरत को मुख्तलिफ तरह की जो पंजीरियां और वो सारी चीजें देसी घी में बना बना के जो खिलाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको हफ्तों जो है तो वो बिस्तर पे बिठा देते हैं कि उसने कोई काम नहीं करना है. तो फिर उसके बाद कहते हैं कि ये जब से बच्चा हुआ है जब से वजन जो है तो वो बढ़ गया है. ठीक है, बच्चों में बढ़ जाता है. बच्चों का बड़ा अच्छा बहाना है, मेरे तीन बच्चे, मैं क्या करूं, मैं वेट का प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे तीन बच्चे हैं. तो ये वो सारी चीजें हैं कि जिनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. देखिए, अब वो जमाना नहीं है कि हम तमाम चीजों पर आंख बंद करके बैठ सकते हैं या जिसने जो कह दिया उस पर जो है तो आग बंद करके बिलीव कर सकते हैं. नहीं, अब साइंस का जमाना है. ठीक है, अब मीडिया का जमाना है, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है. ठीक है, अब आपको अवेयर होना है, अब आपको जानना है अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में. जितनी भी दुनिया में तरक्की याफ्ता कौमें हैं जिन्होंने तरक्की की है, उसकी एक बुनियादी वजह है कि उन्होंने अपनी बेसिक हेल्थ को जो है तो वो कंट्रोल किया. क्या सिम्टम्स है सर? एक दो सिम्टम्स अगर हमें पता चल जाए कि ठीक है मैं ओबेसिटी की तरफ जा रही हूँ या ये मोटापे का प्रॉब्लम है, अभी ये शुरू हो चला है. देखिए, जब आप सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स तो आपको शुरू होंगे जब आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा. मिसाल के तौर पे मेरी जैसी हाइट जो 5'7" या 5'8" की हाइट है, उसका आइडियल वेट जो है तो अगर हम BMI निकालते हैं तो वो 70-72 केजी निकलता है. लेकिन अगर मेरी ही जैसी हाइट के बंदे का वजन 85 केजी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर जो है तो 15 किलो वजन जो है वो लाद दिया जाए, और 15
15 किलो 20 किलो वजन लाद के मुझे कहा जाए कि अब आप तुम चलते फिरते रहो, ठीक है, मेरा दिल जो है वो 70 किलो के लिए बना है, मेरे घुटने 70 किलो वजन के लिए बने, मेरे ये टखने 70 किलो के लिए बने, मैं उस पर मतलब ये कि 100 किलो जो है वो कैसे रख सकता हूं, ठीक है, तो जाहिर है मेरी सांस फूलने लगेगी सबसे पहले, जाहिर सी बात, ठीक है, मैं टायर्ड होने लगूंगा, मैं थकने लगूंगा, फटीक हो जाऊंगा, ठीक है, उतनी एक्टिविटी नहीं होगी मेरी जो मैं इस हल्के फुल्के वजन में जो है तो कर सकता हूं। तब इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर साहब से जो है रुजू करना चाहिए, उनका जो नंबर है हमारी स्क्रीन पे भी आपके आगे चल रहा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल है, ये जो लिपोट्रॉपिक ट्रीटमेंट है हमारा, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत सक्सेसफुल है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है, टोटल 6 वीक्स का प्रोग्राम है, 6 हफ्ते का प्रोग्राम है, उन 6 हफ्तों में आपको 6 बारी हमारे पास आना पड़ता है, यानी कि हफ्ते में एक मर्तबा, ठीक है, हम आपको एक बूस्टर डोज जो है तो वो लगाते हैं IM इंट्रामस्कुलर आइदर आपके हाथ पे या हिप पर, और उसके साथ हम 7 डेज की डोज जो है वो आपको बना के देते हैं, जो आपको खुद अपने हाथ से अपने घर पे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में इंजेक्ट करनी होती है, स्पेशली एब्डोमेन में, यस कर लेते हैं, जिस तरह के लोग इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह की दवा होती है, बहुत छोटी सी मकदार होती है इसकी और छोटी सी सिरिंज होती है, बहुत आराम से आप उसको जो है तो वो इंजेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक डाइट प्लान देते हैं, हम आपको आपकी डाइट, अच्छा मैं आपको फिर दोबारा बता दूँ कि ये सारी जो मेडिसिन और सारा डाइट प्लान और ये सारी जो डिस्कशन होती है विद द कोलैबोरेशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ होता है, क्योंकि ये एफिलिएटेड प्रोग्राम है न्यू एज वेलनेस एंड वेट लॉस सेंटर शिकागो के साथ, ये एफिलिएटेड है, वहां उनकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, कई सौ क्लिनिक जो हैं, कई हजार क्वालिफाइड हैं और ये काम करते आ रहे हैं, तो बेसिकली सारे अनुष्य मैं आपको बताऊं, आई हैव सीन विद माय आईज, कई हजार क्लिनिक अमेरिका में जो है वो इस ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो फीस वो वहां पर चार्ज कर रहे हैं या जो फीस जो हम यहां चार्ज करें वो उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है, बहुत अफोर्डेबल है, इस बीमारी के इलाज के लिए वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नॉमिनल है, तो इसके साथ हम उनको एक इनको हम डाइट बताते हैं कि आपने ये खाना है, इतना खाना है, इस मकदार में खाना है, ये चीज़ें नहीं खानी है, वो खासा होता है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा होता है, और एक खूबी ये है इस मेडिसिन की या ट्रीटमेंट की कि ये आपको वीकनेस नहीं होने देती, आपको बहुत अच्छा, जब आप वेट रिड्यूस करते हैं और फौरन से फौरन करना शुरू हो जाते हैं तो वीकनेस आ जाती है, आपको हल्के पड़ जाते हैं और लगता है कि आप बीमार हो गए, इस तरीके से आपका इसमें कोई वीकनेस नहीं आती, इसमें आप वेलबीइंग फील करते हैं, आप अपने आप को हेल्दी फील करते हैं, बहुत एक्टिव फील करते हैं, एनर्जी फील होती है, एनर्जी लेवल आपका बढ़ता है, ठीक है, आपकी भूख जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, खाने की इच्छा जो है वो कम हो जाती है, आपका दिल माइल नहीं होता खाने के, और एक बड़ा कॉमन सा मीठे की तरफ एक बड़ा कॉमन सा जो जितनी भी कॉल्स आएंगी ना अब इस प्रोग्राम के बाद भी है, जब भी आती हैं वो जी इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, अच्छा 150 किलो का आदमी या 120 किलो का आदमी जब मुझसे ये औरत ये सवाल करती है, बड़ा साइड इफेक्ट आपका वेट है, वेट का प्रॉब्लम है इस साइड इफेक्ट, अच्छा आपने जवाब दिया है द सेम, यही आंसर था जो मैं आपको देने जा रहा था कि यार वो जो तुम वजन लिए फिर रहे हो इतना सारा उसके साइड इफेक्ट पे कभी आपने गौर किया है, ठीक है, आप मतलब एक स्टूपिड और नॉनसेंस सा सवाल कर रहे हैं, कम टू अस ठीक है, सिट विद अस, डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, एक गेंद ऊपर जाती है वो वापस नीचे भी आती है, हर अमल का रद्द अमल होता है, ठीक है, इसका रद्द अमल ये है कि ये आपके फैट्स को मेटाबोलाइज करता है, और आपको ये भी पता अगर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, जब आपके जो पेट के एरिया में जब फैट डिपॉजिट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है तो वो सबसे ज्यादा मुश्किल एरिया होता है, स्टबर्न फैट कहते हैं उर्दू में, इसको जिद्दी फैट कहते हैं, कि वो जाता नहीं है, बहुत यू नो देर तक आपको तंग करता है, तो पहले से अगर आप मेंटेनेंस शुरू रखें, डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आपको लगता है आप में ये मसला मसाइल है तो उनको प्लीज़ कॉल कीजिए। सर जल्दी जल्दी जाने से पहले हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में थोड़ा सा अगर हमारे सारे जो कॉलर्स हैं सुनने वालों को देखने वालों को अगर थोड़ा सा बता दें, क्योंकि रमज़ान में एक बहुत ही ज़बरदस्त आपका प्लान ऑन है। बिल्कुल, रमज़ान में हमारा हेयर ट्रांसप्लांट पे 30% जो है वो 30% डिस्काउंट पैकेज है, और ये बहुत ही जितने मतलब, लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है 30% डिस्काउंट है रमज़ान में, एशियन इंटरनेशनल कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर की तरफ से नंबर चल रहा है, और बिल्कुल नंबर चल रहा है, वो आप इस पर कॉल करें, अपना अपॉइंटमेंट फॉरन लें, सिर्फ कुछ अपॉइंटमेंट्स जो है तो वो अवेलेबल हैं, क्योंकि एक दिन में 2 प्रोसीजर्स जो है तो वो होते हैं, और इफ्तारी के बाद भी जो है तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सहूलत मौजूद है, आपका रोज़ा जो है वो इसमें जाया नहीं होगा, आप रोजा रख सकते हैं, FUE बहुत सेफ प्रोसीजर है, विदाउट सर्जरी है, इसमें कोई कट, कोई स्टिच, कोई सर्जिकल प्रोसीजर इतना इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, आप रमजान में इसको बहुत सक्सेसफुली कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं, नंबर्स आपने देख लिए स्क्रीन पे, डॉक्टर साहब आई एम सो सॉरी शो खत्म करने का टाइम आ गया है, हमें कटना कर दें उससे पहले, तो मुझे लगता है वक्त के पर लग जाते हैं जब मैं गुफ्तगू करना शुरू करता हूं, एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, विनर का नाम अनाउंस कर दूं जल्दी से, आज की जो हमारी विनर है, लकी विनर वो है रिदा, मुबारक हो, बता दिया था आपने हमें सारी चीजें, तो आपका जो इनाम है वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, हमारी मुलाकात होगी कल, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
दिस सेगमेंट वॉज ब्रॉट टू यू बाय चले जी सेगमेंट के बारे में भी अब हमने बात कर ली है और विनर का नाम जो है वो भी हमने अनाउंस कर लिया है. तो एक बार फिर रिदा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद एंड कॉल करते रहिए. यही मकसद होता है कि थोड़ा बहुत कुछ सिखाएं अपने लोगों को. तो आज ट्रैफिक के हवाले से हमने बात की है, कल भी शायद करेंगे मजीद इसी भी गुफ्तगू. तो फिर वंस अगेन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी वेरी गुड रोजा एंड वी विल सी यू टुमारो. खुदा हाफिज़.